Hello friends, in this video we will discuss some of the important MCQs that are curated as per the demand of the exams of the UPSC and various other competitive exams. So without any delay, let's start. So the first question is, which of the following these steps can help to internalization of the rupees? So we are know very well that we are internalization, we are putting a lot of pressure on the internalization of the rupee so that rupee can be used internationally. Clear? So the first question, so these are the options, please mark the right answers. So the right answer of the given question is D. That is all of these statements are correct. The first is the tax incentives to the foreign businesses to utilize the rupee on the operations of the India. This is quite correct. The RBI should purchase more liquid rupees bond market. This is also correct. Now Indian exporters and the importers should be encouraged to invoice their transactions in the rupee and India signing the currency swaps agreement with the other countries. So these all are the options are correct. So what is the meaning of the internalization of the rupee? So hum kya kar rahe hain, basically we are doing the internationalization of the rupee. Isme kya ho raha hai, basically hum ye chahte hain basically ki jo hamara rupee hai wo foreign countries bhi use kare. Right now we are using the dollar and various other currencies. So with India want that we should use the Indian currency. ठीक है. सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये जो सारे स्टेप्स हैं कि बेसिकली हम दूसरे कंट्री से बेसिकली एक करेंट्री करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को साइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी हैव साइन द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद श्रीलंका. ठीक है ना. एंड इंडियन एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स शुड बी इंक्रेज टू यूज़ द इनवॉइस इन देयर ट्रांजेक्शंस. तो जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी हम इंडियन करेंसी का इस्तेमाल करें. और RBI को जो भी बॉन्ड परचेज कर रहा है, ठीक है, सो दैट कुड बी दैट शुड बी परचेज्ड इन द रुपी. और जो भी टैक्स इनवॉइसेस हम दे रहे हैं दूसरे फॉरेन बिजनेसेस को, उसको भी हम रुपी में दें. तो मतलब रुपी का बेसिकली क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द मसाला बॉन्ड. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द मसाला बॉन्ड. नाउ मार्क द राइट आंसर. सो द राइट आंसर द गिवन क्वेश्चन इज सी. मीन्स ओनली थ्री ऑप्शन आर करेक्ट. द फर्स्ट इज नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मसाला बॉन्ड को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं. मसाला बॉन्ड का इस्तेमाल टू इंक्रीज द यूज ऑफ द रुपी. ठीक है. तो मसाला बॉन्ड्स आर द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड एट द इंटरनेशनल मार्केट. दिस इज क्वाइट करेक्ट आंसर. एंड दे आर द नेम्ड एज द मसाला टू रिफ्लेक्ट द इंडियन कल्चर एंड द क्विजीन. क्वाइट करेक्ट आंसर. इंटरेस्ट इन द मसाला बॉन्ड्स आर जनरली लोअर्ड कंपेयर टू द डोमेस्टिक इशूड इन इंडिया. डोमेस्टिक बॉन्ड इशूड इन इंडिया. दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ द इशूइंग द मसाला बॉन्ड इज टू रेज द फॉरन कैपिटल वाइल अवॉइडिंग द करेंसी रिस्क. दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि हम जो करेंसी रिस्क है उसको अवॉइड कर सकें एंड वी कैन यूज मोर ऑफ द इंडियन रुपी. ठीक है. और जो इंटरेस्ट की बात रही, तो इंटरेस्ट जो है इट इज़ नॉट नेसेसरली कि जो मसाला बॉन्ड है उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा. ठीक है ना. तो ऐसा हर बार नहीं होता है. इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर. सो द इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर. ठीक है. इट्स लाइक द फैक्टर्स ऑफ फॉर एग्जांपल द मार्केट कंडीशंस. सो व्हाट आर द मार्केट कंडीशंस राइट नाउ. ठीक है ना. एंड व्हाट आर द लेट्स से द इन्वेस्टर परसेप्शन. ठीक है. उसका इन्वेस्टर का परसेप्शन क्या है. व्हाट आर द पॉलिसीज आर देयर इन इंडिया. सो इन दीज थिंग्स. ठीक है. सो द इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स. इंटरेस्ट डोंट डिपेंड्स ऑन द दैट व्हाट वी कॉल एज इंटरेस्ट डोंट डिपेंड जस्ट लाइक ओनली ऑन वन फैक्टर. ठीक है ना. नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द आर्टिकल 341. तो आर्टिकल 341 के बारे में विच ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट. सो टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 341, तो ये क्या बात करता है बेसिकली. सो राइट आंसर अगर बात किया जाए तो क्या होता है, तो इट इज इट डिफाइंस द प्रोसेस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट. सो द आर्टिकल 341 जो है वो बात करता है कि हम शेड्यूल कास्ट को इंडिया में कैसे नोटिफाई करते हैं. सो द नोटिफिकेशन जो है उसका उसके बारे में हम बात करते हैं. वी शुड ऑल्सो नो द प्रोसेस ऑफ द नोटिफिकेशन एंड डी नोटिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है. शेड्यूल कास्ट सॉरी. ठीक है. तो एक और इसके बारे में कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए. दैट आई हैव मेंशनड हियर सम ऑफ द थिंग्स आई हैव मेंशनड हियर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम इज दैट आर्टिकल 341. इसको बात की शेड्यूल कास्ट के बारे में. ठीक है ना. शेड्यूल कास्ट की नोटिफिकेशन के बारे में बात करता है और जो कौन नोटिफाई करता है. सो बेसिकली द प्रेजिडेंट इज द पर्सन, शी इज द पर्सन और शी इज द पर्सन हु विल नोटिफाई द स्टेटस ऑफ द शेड्यूल कास्ट. तो किसी भी एक एरिया में ना विच कास्ट इज द शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास. सो दिस ऑल इज नोटिफाइड बाई द प्रेजिडेंट ऑन द
पर जो रिकमेंडेशन है, इनिशियल रिकमेंडेशन और जो प्रोसेस पूरा वो फॉर्मलाइज होता है, दैट इज़ फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट एंड रिकग्निशन इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इज़ दी 341 इज़ दिस एंड 342 इज़ दी फॉर दी ST. सो दिस सेम प्रोसेस SC के लिए है, और ये 342 जो है ये सेम प्रोसेस किस लिए, ST के लिए है. एंड 342A ये है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. सो फर्स्ट 341 इज़ फॉर द SC, 342 फॉर दी ST एंड 342A फॉर दी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. नाउ आर्टिकल 343 आपको पता होना चाहिए, जिसमें जिसमें बात किया गया है, वी हैव टॉक्ट अबाउट दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, है ना, वेयर वी हैव टॉक्ट अबाउट दी दैट हिंदी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इन दी देवनागरी स्पिट एंड इंग्लिश विल बी द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज. बेसिकली हिंदी इज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज द सेकेंड और द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज. नेक्स्ट इज दी एक और पता होना चाहिए, आर्टिकल 338 जिसमें बात किया गया है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट. सो इनिशियली देयर वॉज अ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, देन वी हैव मर्ज्ड टू थिंग्स, मीन्स वी हैव मेड टू मेंबर ऑफ इट. सो बेसिकली विद द 65th अमेंडमेंट आफ्टर 1990, विद द 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1990, वी हैव मेड द नेशनल कमीशन फॉर द SC and ST. सो वी हैव कम्बाइंड द SC and ST, दोनों को कम्बाइन कर दिया क्या. बट विद द 89th अमेंडमेंट ऑफ 2003 वी हैव फर्दर सेपरेटेड द नेशनल कमीशन ऑफ SC and ST. देन नेशनल कमीशन ऑफ ST गेट मर्ज इन द 338 एंड नेशनल कमीशन ऑफ द ST मर्ज इन द 338A. क्लियर बात. नेक्स्ट इज द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास इज 338B. सो 338A इज द नेशनल कमीशन ऑफ SC, 338A इज द ST एंड 338B इज द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस. और दिस इज द कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना. एंड दिस इज वॉट दिस इज द शो दिस इज फॉर द अप्रेफमेंट. ये पूरा आर्टिकल जिसमें बारे में सब डिटेल्स लिखी हुई है वो कमीशन है, ठीक है ना. दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. क्लियर. सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, हु हैज़ अथॉरिटी टू अमेंड द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट अंडर द आर्टिकल ऑफ द 341. तो अब किसको अथॉरिटी है, हु हैज़ द अथॉरिटी, है ना, हु विल देन हु विल डू दीज थिंग्स. प्रेजिडेंट विल डेफिनेटली डू दीज थिंग्स, बट हु हैज़ द अथॉरिटी, ठीक है ना, हु हैज़ द अथॉरिटी टू मॉडिफाई द लिस्ट, और किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, हु विल डू दीज थिंग्स. सो दीज थिंग्स दे विल बी डन बाय द पार्लियामेंट. सो यू नो इट वेरी वेल दैट प्रेजिडेंट इज द टिटुलर हेड, ठीक है ना. सो डिसीजन आर टेकन, ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजन आर टेकन ऑन द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट, बट प्रेजिडेंट हैज़ नो स्पेशल रोल, ठीक है. सो दैट इज़ वन फैक्टर. नेक्स्ट इज अंडर द आर्टिकल 341, वट रोल डज द प्रेजिडेंट प्ले इन द रिलेशन टू द शेड्यूल कास्ट. सो वट रोल द प्रेजिडेंट प्ले इन द रिलेशन टू द शेड्यूल कास्ट, दीज आर ऑप्शंस. बिल्कुल फास्ट, ठीक है ना, हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और कम टाइम में डिस्कस करने हैं, जस्ट बिकॉज होता है, ठीक है. तो फिफ्थ क्या होगा इसका, सो द राइट आंसर विल बी द बी. राइट आंसर विल बी द बी. बी इज द राइट आंसर. द प्रेजिडेंट स्पेसिफाई द शेड्यूल कास्ट इन ईच स्टेट इन द यूनियन टेरिटरी. सो इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू द यूनियन थिंग, ठीक है ना. सो प्रेजिडेंट विल स्पेसिफाई द शेड्यूल कास्ट पीपल एंड एंड द इन होल इन द यूनियन टेरिटरी एंड एंड द नॉर्मल स्टेट, ठीक है. नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट अंडर द लिस्ट ऑफ द 341. So the right answer of the given question is the C, that is the list can be only be modified by the law made by the parliament. I already told you, so कोई भी modification होगा, all sort of the modification will happen only with the interference or with the law passed by the parliament, ठीक है ना, and will be done on the name of the president, and so president is just some sort of stamping head, ठीक है ना. नेक्स्ट इज द कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइड्रोजन फ्यूल. सो हाइड्रोजन फ्यूल के रिगार्डिंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज ओनली बाय द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज द वाटर बाई प्रोडक्ट, ठीक है. नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आर द लेस एफिशियंट देन द ट्रेडिशनल कंबशन इंजन्स. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट. So talking about the right answer of the given question is, so the right answer of the given question is B, means none. No, just a minute. Right answer of the given question is B. Yeah, only two statements are correct. Okay, only two statements are correct. Which two statements are correct? The first statement is correct. The hydrogen fuel cells produce the electricity through the electrochemical reactions between the hydrogen and the oxygen. This is quite correct. Hydrogen and oxygen se electrochemical reaction se hydrogen fuel cells formation hota hai. Next is the byproduct jo hota hai of the hydrogen fuel cell will be the water. This is also correct. But
The hydrogen fuel cells are the less efficient than the traditional combustion engine. So no, this is wrong. So they are not less efficient, even they are more efficient. So talking about the normal combustion engine. So if there's a normal combustion engine, so it will have the capacity of near about the 20 to 30%. So it will typically convert this much of the energy from the fuel. But talking about the hydrogen fuel engine, so that will they will convert near about the 60% of the fuel energy to the fuel to the energy. So the hydrogen fuel cell will convert near about the 60% of the fuel energy, okay, na, in the use. But the combustion engine, they will only convert to 20 to 30% of that. Clear? So that is the major difference. Now, question number 8. Consider the following statement as the right answer. So the right answer of question number 8 is D, means no statement is correct. So we'll talk about the Zunki River. So it is the major river flowing through the states of the Arunachal Pradesh. No, this is incorrect because it is from the Nagaland. It will flow through the Nagaland, and the river originate in the Himalaya. No, this is incorrect, and it is a tributary of the Brahmaputra. This is also incorrect. So we'll see this map. Now here we can see the river. This river is the Zunki River. Okay, so from here it is from the picture it is evident that this river is flowing through the state of the Nagaland. Okay, this river is flowing through the state of the Nagaland, and apart from that, this river, this is nothing to relate with the what we call as the Brahmaputra River. Okay, so Brahmaputra River se iska koi bhi relation nahi hai. Clear? So this so this will flow throughout the Nagaland. Clear? Okay, and this will not originate through the Himalayas also. ठीक है, तो इस सारे स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया. नेक्स्ट, नेशनल वाटरवे के बारे में क्वेश्चन है, मल्ट राइट आंसर. सो राइट आंसर द गिवन क्वेश्चन इज ओनली टू. सो टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द फर्स्ट स्टेटमेंट से नाउ व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट द नेशनल वाटरवे इज द लॉन्गेस्ट, NH1 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इन इंडिया. ठीक, सो दिस इज द राइट आंसर. या इट इज क्वाइट करेक्ट. सो NW1 जो है वो लॉन्गेस्ट है. ठीक है, इट इज फ्रॉम द अलाहाबाद टू द हल्दिया. अभी इसके बारे में बात करेंगे. सो टॉकिंग अबाउट द अलाहाबाद टू हल्दिया, दिस इज द वाटरवे. ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज द NH1 ये है फ्रॉम द अलाहाबाद टू दिस इज द हल्दिया. ठीक है, तो ये है NW1 NH1. मेरे मुंह से निकल रहा बार बार. ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी. ठीक है, गलती हो गई. ये NH1 है, ये है NH2, ये है NH2. ठीक है ना, ये आती है धुबरी टू सदिया. ठीक है ना, धुबरी टू सदिया, ये पूरा जो है असम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर की पूरी बेड में उसी के अलॉन्ग ये ज़्यादा है. ठीक है, सो ये बताना चाहिए, दिस इज NH2. क्लियर? ठीक है, और बाकी सारे भी इधर पे दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं, तो ये पता होना चाहिए. टोटल जो ऑपरेशनल की अगर बात की जाए तो 30 नेशनल वाटरवेज हैं जो कि ऑपरेशनल है. ठीक है ना, दीज आर द नेम गिवन. यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस PDF. ठीक है, सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल वाटरवेज ओनली एंड नॉट द स्टेट वाटरवेज. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट. सो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ It is only responsible for the development of the national waterway. Clear? National waterway, not the state waterway. So state waterway is something which is managed solely by the state. Clear? It is the responsibility of the state government. Next is the Inland Waterway Authority of India operates under the Ministry of the Environment, Forest and the Climate Change. This statement is incorrect because the Inland Waterway Authority of India, this operate under the Ministry of the Port Shipping and the Waterway. Clear? Under the Ministry of the Port Shipping एंड वाटर वे. तो पोर्ट शिपिंग और जो वाटर वे में जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर दिस ऑपरेट. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम. मल्ट द राइट आंसर. सो टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन हियर आर द करेक्ट. सो सी द राइट आंसर. सो basically there are two things. One is the EEG and ECG. ECG is for the heart. Okay, they'll get electrocardiogram and this electroencephalogram. Okay, so basically it measures the electrical activity in the brain. This is quite a great option. It is commonly used to diagnose the epilepsies and other
seizures disorder. So whatever disorder is some person suffering from related to the brain, it diagnosed that. Next is the electrodes are used in the electroencephalogram that are typically placed in the scalp. It is also correct. So basically, जैसे किसी की एक सर है यहाँ पे खोपड़ी, नहीं खोपड़ी बनी इसकी, अगर खोपड़ी है तो इस खोपड़ी में क्या होता है कि बेसिकली कई सारे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, कई सारे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं और उसी के बारे में बात करें, पूरी मशीन होती है, आपने देखा होगा एक इंसान के सब तार लगा दिए जाते हैं, सो जो है ना जस्ट टू मीजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना, कि किसका दिमाग कैसे काम करता है, तो उसके लिए ये सारा काम करते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग लॉज इन इंडिया मेंशन ऑल द फॉरेन इंडिविजुअल्स टुगेदर एज द एलियन. तो कौन सा लॉ है जो सारे इंडियंस को एज ए एलियन मेंशन करता है. सो टॉकिंग अबाउट द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज लॉज मेंशन द समवन हु इज द फॉरनर एज द एलियन. उसको हम एलियन मेंशन करते हैं, वेदर इट इज द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ द 1955, पासपोर्ट एक्ट 1967, एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 एंड द फॉरन एक्ट ऑफ द 1946. सो सारे जो एक्ट हैं वो क्या मैंशन करते हैं, किसी भी एक पर्सन को एज ए एलियन जो भी बाहर से आ रहा है. ठीक है, सिटीजनशिप आपको पता ही है, दैट इज 6 to 11, आर्टिकल 6 to 11 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, 1 to 5 बात करता है टेरिटरीज के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, एंड देन 12 से 35 फंडामेंटल राइट के बारे में, 36 से 51 फंडामेंटल DPSP और 51A इज दी फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को कंसिडर करिए आप. बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है पानी आ जाए मुँह में. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज डी, दैट इज नो स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है ना, इन द मिल्क प्रोडक्शन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग द लीन सीजन द कैटल्स एंड द बफेलोज प्रोड्यूस मोर मिल्क. सो बेसिकली यू शुड नो फ्रॉम हेयर दैट बेसिकली दैट टू सीजन्स है ना, टू सीजन इन टर्म्स ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन. द फर्स्ट वन इज द वट यू नोन एज द वट इज कॉल्ड एज द फ्लश सीजन. सो फ्रॉम द नेम, फ्रॉम द वेरी नेम, इट इज एविडेंट द फ्लश मतलब क्या हो गया. ओके, सो बेसिकली पहला है फ्लश सीजन. फ्लश सीजन में क्या होता है, बेसिकली जहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो कैटल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लश का मतलब ये होता है ना, बहुत ज़्यादा फ्लश आ रहा है, इस तरह से बात कर सकते हैं, फ्लड या फ्लश. ठीक है, लीन मतलब पतला, यानी कि इस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो कम प्रोडक्शन होगा किसका, मिल्क का. ठीक है, तो यहाँ लिखा हो ड्यूरिंग द लीन सीजन कैटल और बफेलोज प्रोड्यूस मोर मिल्क, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा है द सॉलिड नॉट फैट, दैट इज द SNF फॉर द काउज यूजली मोर देन द बफेलो मिल्क. सबसे पहले समझते हैं कि SNF होता क्या है. तो देखो सबसे पहले बात करते हैं SNF क्या होता है, दैट इज सॉलिड नॉन फैट. तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ फैट्स होते हैं किसमें, मिल्क में होते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, तो उसमें से और जो फैट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और कुछ होते हैं सॉलिड नॉन फैट, यानी कि वो फैट तो हैं पर वो नॉन सॉलिड सॉलिड्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस में ज़्यादा होगा, इसमें लिखा है काऊ में ज़्यादा होगा देन द बफेलो. बचपन से सबको पता है कि बफेलो का मिल्क गाढ़ा होता है, तो उसमें क्या होगा, जो सॉलिड नॉन फैट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे. ठीक है, नाउ देयर वन मोर थिंग विच इज़ समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज़ द लीगल स्टैंडर्ड बाई दी FSSAI. तो फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या एक लीगल स्टैंडर्ड है, एंड फ्रॉम दैट लीगल स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू दैट 4% जो होता है एक लीगल स्टैंडर्ड, मतलब अगर आप मिल्क बेच रहे हो, ठीक है, तो इतनी चीज़ें उसमें होनी चाहिए. पहला क्या है, 4.5% ऑफ द फैट उसमें होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज द 8.5% ऑफ द SNF, यानी कि नॉन सॉलिड, जो सॉलिड नॉन फैट्स है वो 8.5 होना चाहिए, और टोटल जो सॉलिड होना चाहिए उसमें 13% होना चाहिए. बात समझिए, यानी कि किसी भी एक मिल्क में देर शुड बी 13% ऑफ द टोटल सॉलिड्स एंड 4.5% ऑफ द फैट्स एंड 8.5% ऑफ द सॉलिड नॉन फैट्स. ठीक है, इतनी चीज़ होनी चाहिए. नेक्स्ट, द फैट परसेंटेज इज मोर देन द सॉलिड, द फैट परसेंटेज इज मोर देन सॉलिड्स नॉन फैट्स इन द काउ मिल्क. ओके, फैट परसेंटेज मोर देन द सॉलिड्स नॉन फैट इन द काउ मिल्क. नहीं, सबको पता है वही वाली बात जो ऊपर लिखी है वही नीचे लिख दी है, फैट परसेंटेज इज मोर देन द सॉलिड नॉन फैट्स. नहीं, फैट परसेंटेज क्या है, एक सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो सिंपल से क्या लिखा हो, फैट परसेंटेज इज मोर देन द सॉलिड नॉन फैट. फैट क्या होता है अभी बताया मैंने, फैट जो होगा वो किस में ज़्यादा होगा, फैट ज़्यादा होता है वो बफेलो के मिल्क में. ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फैट परसेंटेज मोर देन द सॉलिड नॉन फैट्स इन द काऊ मिल्क. नहीं, काऊ मिल्क में सॉलिड नॉन फैट ज़्यादा होता है, काऊ का अगर मिल्क होगा तो उसमें सॉलिड नॉन फैट ज़्यादा होगा, फैट उसमें कम होगा.
पर ठीक है, बट बफेलो के मिल्क में फैट ज़्यादा होता है और सॉलिड नॉन फैट्स कम होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोरल रीफ ब्रेक थ्रू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, सो राइट आंसर द गिवन क्वेश्चन इज बी, मींस दो स्टेटमेंट सही हैं। पहला है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूएन एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन पहला वाला ही गलत है, क्योंकि कोरल रीफ ब्रेक थ्रू ये यूएन एनवायरमेंट का इनिशिएटिव नहीं है। इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। पहले ये किसका इनिशिएटिव है? इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ। ठीक है, अपार्ट ये क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ, ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ। ठीक है, एक तो इनका इनिशिएटिव है, इंक्लूडिंग दी हाई लेवल क्लाइमेट चैम्पियन। तो हाई लेवल क्लाइमेट चैम्पियन इनका, एंड ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ एंड कोरल रीफ ब्रेक थ्रू। ठीक है ना, सो ये चीज़ समझ गए हम क्या, कि कोरल रीफ ब्रेक थ्रू किसका इनिशिएटिव है? इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द ग्लोबल फंड फॉर द कोरल रीफ एंड द हाई लेवल ऑफ द क्लाइमेट चेंज चैम्पियन। ठीक है, ये यूएन एनवायरमेंट का इनिशिएटिव नहीं है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ द CFCR एंड इसको हाई लेवल क्लाइमेट चैम्पियन HLCC। इनिशिएटिव टेक्स एम टू सेव गार्ड एटलीस्ट 125,000 ऑफ द स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द शैलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स बाय 2030। दिस इज क्वाइट करेक्ट, एंड इवन वी नो दैट कोरल रीफ्स लिव्स इन द शैलो वाटर। ठीक है, इट फोकस ऑन द डबलिंग द एरिया ऑफ द कोरल रीफ्स अंडर द इफेक्टिव पॉपुलेशन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ द कोरल रीफ। ठीक है ना, एंड बेसिकली रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं कि जितना भी अभी इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। कितना, 30% ऑफ रिस्टोरेशन करना है हमें, जो भी इम्पैक्ट अभी हुआ है, बाय 2030। तो 2030 तक हमें 30% जो है वो रिस्टोरेशन करना है। दैट इज़ आर एम। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ रिगार्डिंग द चाइल्ड्स। So which of the following statements is correct? So the correct answer to the given question is B, means only the two statements are correct. ठीक है, सबसे पहले हम चैट समझ लेते हैं, होता है क्या बेसिकली, तो ये क्या होता है बेसिकली, दे आर द वाटर करेंट्स इन द ओशंस। ठीक है, जब भी वाटर करेंट्स होते हैं, यू नो, जैसे अगर बात किया जाए वाटर करेंट्स, यहाँ पर समझ लो, सो दीज ऑल आर द वाटर करेंट, जैसे आपका कोर्शियो करंट हो गया, कैलिफोर्निया करेंट हो गया, दीज आर द वाटर करेंट। नाउ व्हाट दीज वाटर करेंट्स, दे आर इम्पैक्टेड। ठीक है ना, ये इनका इम्पैक्ट पड़ता है, इन पर इम्पैक्ट करता है, पड़ता है ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, और व्हाट यू कॉल एज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से, विंड की वजह से। ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इट्स लाइक द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है ना, कोरियोलिस फोर्स विंड, तो ये सब क्या करते हैं, कोरियोलिस फोर्स, विंड, ये दीज थिंग्स इम्पैक्ट दीज करेंट्स, और उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, उसकी वजह से जार्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या फॉर्म होते हैं, जार्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो क्या लिखा हुआ है, द जार्स, इट इज़ द सर्कुलर ओशन करेंट फॉर्म्ड बाय द अर्थ विंड पैटर्न्स एंड द फोर्सेस क्रिएटेड बाय द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट। तो ठीक है भाई, जो रोटेशन ऑफ द प्लैनेट है उसका इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद अभी बताया रोटेशन ऑफ द प्लैनेट एंड कोरियोलिस फोर्स एंड इंक्लूडिंग द विंड्स, तो इन सब का इफेक्ट पड़ेगा, एंड द स्लोली द दैट व्हाट वी कॉल एज द करेंट, है ना, ओशन करेंट्स विल कन्वर्ट इन टू दी जायर्स। नेक्स्ट इज दी नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जायर्स मूव्स एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉक वाइज नहीं, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूव करता है, हेंस द दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यू कैन सी फ्रॉम हेयर ऑल्सो, ठीक है, दैट इट इज मूविंग इन दी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। देखो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, ये कोशियो करेंट, ये जापान के इधर पे है, और दिस इज द कैलिफोर्नियन करेंट। ठीक है ना, एंड दिस इज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट। ठीक है ना, और ये काउंटर इक्वेटोरियल करेंट होता है, मतलब ये पता होना चाहिए आपको चीज़ कि एक ये नीचे जाएगा, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल है, और उसके ऑपोजिट जो जाएगा वो आपके, सॉरी, उसी के इसी साइड में जाएगा साउथ इक्वेटोरियल। बट डिफरेंस क्या है, बिकॉज ऑफ द व्हाट वी कॉल एज द कोरियोलिस फोर्स,
कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और साउथ इक्वेटोरियल करंट मुड़ जाता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके बीच में जाता है करंट दैट इज नोन एज द इक्वेटोरियल काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये हो गई मेरी बात। नेक्स्ट इज द नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जायर्स कंसिस्ट ऑफ द कोरियोशियो नॉर्थ पैसिफिक कैलिफोर्नियन एंड द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, हम दे चुके हैं भाई। अभी ये जो पूरा है आपका जो नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जायर, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जाना, नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जायर, ये किस तरह से बना हुआ है? कोरियोशियो करंट से बना हुआ है, कैलिफोर्नियन करंट से बना हुआ है और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से बना हुआ है। हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, हेंस द बोथ द टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, फर्स्ट थर्ड करेक्ट है। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा गया है, तो बचपन से पता ही हमको, पर बचपन की चीज़ें गलत हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो राइट आंसर बताया इसमें, सो द राइट आंसर द गिवन क्वेश्चन इज द सी। ठीक है, क्या बोला है? स्टेटमेंट जो पहला जो करेक्ट है, पर स्टेटमेंट जो दूसरा है वो इनकरेक्ट है। लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद द नेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल सही है, E0-1 ये इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें। इलेक्ट्रॉन मूव सो स्लोली दैट कैप्चरिंग दैम रिक्वायर्स अ लॉन्ग पल्स ऑफ द लाइट, सो बेसिकली यू कैन नॉट कैप्चर द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को आप कैप्चर नहीं कर सकते वो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव सो क्विकली, ठीक है ना, तो बेसिकली अगर उनको कैप्चर करना है तो शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट आपको चाहिए होगी, पर इन द ऑटो सेकेंड, यानी बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो हैंस इट इज़ इनकरेक्ट। दूसरा वाला जो है वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इस इनकरेक्ट, दूसरा वाला क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है ना। और ये पूरा है क्या है, अगर उसको देखना है तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द एटॉमिक मूवमेंट, इट इज़ एसोसिएटेड विद द एटॉमिक मूवमेंट, तो एटॉमिक मूवमेंट से बेसिकली ये एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए, स्टैटिक क्यूज आ गई हमारी, स्टैटिक क्यूज में बात किया है क्यूपर बेल्ट के बारे में। चलिए आंसर मकड़ी इसका, सो राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज डी, दैट इज स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। क्यूपर बेल्ट इट इज अ सर्कम सर्कुलर डिस्क इन द आउटर सोलर सिस्टम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून। तो क्यूपर बेल्ट क्या होता है, वन इज द एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट नेक्स्ट इज द क्यूपर बेल्ट। ठीक, क्यूपर बेल्ट क्या होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट में भी सारे बेसिकली क्या है जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनकी जो रेमिनेंट्स होते हैं, बचे हुए पार्ट होते हैं, ठीक है ना, ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, दे आर फाउंड इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन द व्हाट वी कॉल एज द मार्स एंड द जुपिटर, बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज फाउंड। क्यूपर बेल्ट कहाँ पे आती है, सबसे लास्ट में मिलती है आपको सारे अर्थ के बाद में, है ना, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। और वहाँ पर क्या मिलते हैं, बेसिकली जो ब्रोकन पार्ट होते हैं सोलर सिस्टम के वो सारे मिलते हैं, ठीक है ना, कोई एक ब्रोकन प्लानट है उस तरह से चीज़ें जो भी रेमिनेंट्स हैं, ठीक है ना। एंड ऑल्सो इन द क्यूपर बेल्ट वॉट वी नोन एज द कॉमेट्स आर ऑल्सो फाउंड, जो कॉमेट्स होते हैं, कॉमेट्स, सो कॉमेट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द क्यूपर बेल्ट। नाउ सिमिलर टू द एस्ट्रॉयड बेल्ट, क्यूपर बेल्ट इज अ रीजन ऑफ द लेफ्ट ओवर फ्रॉम द सोलर सिस्टम्स अर्ली हिस्ट्री, बिल्कुल सही बताया हमने कि दे आर द लेफ्ट ओवर। डॉर्फ प्लैनेट्स आर नॉट लोकेटेड इन द क्यूपर बेल्ट, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि डॉर्फ प्लैनेट कहाँ जाएंगे भाई, क्यूपर बेल्ट अगर सबसे लास्ट में हैं सर, तो डॉर्फ प्लैनेट विल गो देयर ओनली, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर डॉर्फ प्लैनेट डेफिनेटली मिलेंगे, हेंस द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेलर ऑक्यूलेशन। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है हमें, सो द राइट आंसर इज डी, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। स्टेलर ऑक्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर कोई बहुत एक डिस्टेंट स्टार है, जैसे एक स्टार है, डिस्टेंट स्टार है, अब इस स्टार को कोई प्लैनेट अगर क्या वो कर ले, मतलब बेसिकली ब्लॉक कर ले, ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा कि बेसिकली लाइट की वजह से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि कितनी इस प्लैनेट के अराउंड कैसी रिंग्स हैं, ये पता चलेगा कि यहाँ पर पूरे प्लैनेट के अराउंड कैसा एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है किसे, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टेलर
occultation. So stellar occultations occurs when as seen from the earth a bright star passing behind the planet. बिल्कुल सही है, एक जब ब्राइट स्टार पास करता है planet से then the stellar occultation occur. The phenomena which rarely occurs is used to analyze the planet's atmosphere and determine how many rings it has. तो basically दोनों statement सही हैं, वो determine करने के लिए use करते हैं कि उसके पास कितनी rings हैं, ठीक है ना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द गोदावरी रिवर. गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर के रिगार्डिंग विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी, दैट इज ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द गोदावरी रिवर. सो हियर इज द गोदावरी रिवर एंड द गोदावरी रिवर फ्लोज फ्रॉम द त्रिंबकनाथ त्रिंबक हिल्स, ठीक है ना, टू ऑल थ्रू दी इन दी अरेबियन सी, ठीक है, इन अरेबियन सी. तो अरेबियन सी पे वो फ्लो करेगी, ठीक है, सॉरी नॉट अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, गड़बड़ हो गया, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इट विल फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, अरेबियन सी तो यहाँ पे अरेबियन सी, ठीक है, ये पता होनी होनी चाहिए. बाकी दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी रिवर, जस्ट लाइक पूर्णा, ओके, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती एंड शबरी. और उसके बाद अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात किया जाए, सो वी हैव दी परवरा एंड मंजीरा एंड मनियार. सो दीज आर ऑल आर द राइट बैंक, और वो हो गई लेफ्ट बैंक, ये लेफ्ट बैंक होती है, दीज आर द राइट बैंक, ठीक है. सो गोदावरी इट इज राइजेस फ्रॉम द त्रिंबकेश्वर ड्रेन्स इन द अरेबियन सी, नहीं, बे ऑफ बंगाल में ड्रे करेंगी, ठीक है. गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर इन द पेनिनसुला इंडिया, क्वाइट करेक्ट. एंड पूर्णा, इंद्रावती, मूसी, नहीं नहीं मूसी ये सब नहीं है इसमें, ठीक है, मैंने ट्रिब्यूटरीज का नाम बता दिया. हेंस टू इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइटनिंग, लाइटनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन है. लाइट कैसे फॉर्म होती है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है. सो राइट आंसर द गिवन क्वेश्चन इज बी, दैट इज ओनली स्टेटमेंट वन एंड थ्री इज करेक्ट. सबसे पहले समझते हैं लाइटनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है. लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, अगर बात किया जाए इसके बारे में, तो सबसे पहले क्या होता है कि नीचे से वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, ठीक है. ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर क्या है, ठंडा एटमोसफियर है, ठीक है ना, एज वी मूव फ्रॉम द अर्थ. तो क्या होता है कि अर्थ का एटमोसफियर जो टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है ना. जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है. इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रैप स्टेट, नॉर्मल लैप्स रेट. एक और होता है कि अगर टेम्परेचर नीचे बेसिकली हाई है, ठीक है, मतलब नीचे टेम्परेचर लो है और ऊपर जब गाने जाने पर उल्टा बन गया, हाँ सही बन गया, नीचे टेम्परेचर लो है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर हाई हो गया, इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन. दिस इज द टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है. अभी क्या हो रहा है कि वाटर जो वेपर है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो बिकॉज ऊपर कोल्ड है, दिस विल बिकम इन दी आइसी क्रिस्टल, आइसी क्रिस्टल फॉर्म करेगी, ठीक है. सिंपल सी बात है, आइसी क्रिस्टल फॉर्म होंगे. जब ये आइसी क्रिस्टल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, है ना, तो ये क्या होंगे, ये नीचे आ जाएंगे फिर. और नीचे से क्या आ रही थी, वाटर ड्रॉपलेट पहले से आ रही थी. अब क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे. अब क्योंकि ये बहुत हैवी हैं और ये आईसी क्रिस्टल्स है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. ये बहुत ही लाइट है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक. बीच में ये काम करता है ऐसे इंसुलेटर का, ठीक, बीच में काम करता है ऐसे इंसुलेटर का. बट जब ये इंसुलेटर का थ्रेशोल्ड ब्रेक हो जाता है, व्हेन द थ्रेशोल्ड ऑफ द इंसुलेटर ब्रेक डाउन, तो देन द पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है. तो पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड विद ईच अदर, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दे प्रोड्यूस अ लाइटनिंग. तो बहुत सारी लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बहुत सारी लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है. उसके बाद लाइटनिंग प्रोड्यूस होने के बाद भी हम देखें, अगर लाइटनिंग प्रोड्यूस हो गई है उसके बाद भी अगर क्लाउड है तो हम समझ सकते हैं, जैसे अभी क्लाउड है, ये बीच में क्या था, इंसुलेटर क्या है, ये क्लाउडी तो है, तो ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, ठीक है. और जब ये मिक्स हुए तो पॉजिटिव नेगेटिव ये लाइट बन गई, मतलब लाइटनिंग इफेक्ट कॉज कर दिया. बट ये होने के बाद भी अगर क्लाउड है और उस ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, ठीक है, तो होता क्या है, नीचे नेगेटिव है और हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, कोई ट्री होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं. तो इसीलिए जब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं तो क्या मिलती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलने से फिर से लाइटनिंग होती है. और लाइटनिंग ध्यान दीजिएगा, लाइटनिंग इट नॉट कम्स अंडर द नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर की नहीं आती है तो उसको कंपनसेट नहीं किया जाएगा, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे अगर कोई मर गया लाइटनिंग से, ठीक है, ये पता होना चाहिए. क्योंकि डेफिनेशन नहीं ना कोई, वी डोंट हैव एनी क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ लाइटनिंग, ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट लाइटनिंग इट इज़ अ रैपिड एंड द मैसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दैट टेक प्लेस बिटवीन द स्टॉर्म्स क्लाउड एंड द ग्राउंड, ठीक है.
लाइटनिंग डज नॉट अकर विन विद इन द क्लाउड देमसेल्फ, होती है करेक्ट इनकरेक्ट, अभी दिखाया मैंने लाइटनिंग क्या है, विद इन द क्लाउड्स भी होती है, देखो ये विद इन द क्लाउड्स तो ही है, यहाँ पर जो लाइटनिंग हुई है ये क्या हुई है, विद इन द क्लाउड्स, ये कैसे हुई है, विद इन द क्लाउड्स तो ही है लाइटनिंग, ठीक है, विद इन द क्लाउड्स भी होती है एंड ऑल्सो क्लाउड्स टू लैंड भी होती है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सोरिंग ग्लोबल टेम्परेचर कुड लीड्स टू मोर हॉटनिंग, हॉट लाइटिंग स्ट्राइकिंग मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है ना, जस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट दी अलास्का रीजन, ठीक है ना, और आर्कटिक रीजन, तो आर्कटिक रीजन में देर आर मोर लाइटनिंग और मोर वाइल्ड फायर इफेक्ट्स, तो बहुत सारे वाइल्ड फायर इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल अगर बेसिकली बात की जाए, नॉर्मल अगर हम एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, तो आर्कटिक रीजन में 4 डिग्री टेम्परेचर नियर अबाउट बढ़ता है, तो उससे 4 to 5 times ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है ना, बिकॉज दिस ऑल आइस और उसकी वजह से वो मेल्ट होती है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसलिए। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टोर्नेडोज, ठीक है, टोर्नेडोज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज बी, मीन्स ओनली द टू ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टोर्नेडो क्या होता है, टोर्नेडो को थोड़ा सा देख लेते हैं, टोर्नेडो क्या है, अच्छा पिक्चर नहीं लगाई क्या मैंने, कोई बात नहीं, टोर्नेडो क्या है, टोर्नेडो क्या होता है बेसिकली, टोर्नेडो यहाँ स्टेटमेंट देखते हैं, टोर्नेडो क्या होता है, टोर्नेडो होता है व्हर्लिंग वर्टिकल एयर कॉलम्स दैट फॉर्म्स फ्रॉम द थंडर स्टॉर्म्स विदाउट स्ट्रेचिंग इन टू द ग्राउंड, इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि ग्राउंड में तो स्ट्रेच करता ही है। टोर्नेडो क्या होता है बेसिकली, बहुत सारी जो मतलब विंड्स होती हैं स्पीड, जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाती हैं एट फेरोशियस स्पीड, ठीक है ना, एंड इट जस्ट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग वॉट कम्स इन देयर पाथ, ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारी स्पीड होती है एंड दैट विंड स्पीड, दैट विंड बिकम टू स्पिन, तो वो स्पिन करने लगती है एंड टेक्स द शेप ऑफ द टोर्नेडो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टोर्नेडो में बेसिकली दर विल बी विंड स्पीड एंड इंक्लूडिंग दर बी डायरेक्शन, ठीक है, तो विंड स्पीड भी होगी, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, चेंजेस इन द विंड स्पीड एंड द डायरेक्शन कैन लीड्स टू द स्ट्रॉन्ग टोर्नेडो, बिल्कुल सही है, जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ेगी और जैसे जैसे डायरेक्शन बढ़ेगी क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, वो टोर्नेडो का जो शेप होगा विल बी चेंज्ड और वो बहुत ज़्यादा फायर्स हो जाएगा, ठीक है ना, इट विल बिकम मोर फेरोशियस, ठीक है, नाउ सो दिस इज, ठीक है, हमारे क्वेश्चंस खत्म होंगे, आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपकी आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, मुझे भी खुद ही अच्छी लगी, तो आपको भी अच्छी लगी होगी आई होप, तो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, शेयर दिस वीडियो विद अमंग द फ्रेंड्स दैट यू आर कनेक्टेड विद एंड इन ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स दैट यू आर कनेक्टेड विद, दिस इज मोहित फ्रॉम द विज़ार्ड आईएएस, टिल देन थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।